काठमांडू घूमने। अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं भक्तापुर, तो गाइस चलते हैं और आज का दिन शुरू करते हैं। अहिलेसम्म पो रोयल प्यालेस यहीँ थियो, पछि अनि अघि देखाएको थिएँ नि त्यहाँ सारेको हो कि पछि चाहिँ, पहिला सबै यहीँ हुन्थ्यो। यस्तो मार्केट एरिया छ यहाँ। यो बाटो चाहिँ फ्रिक स्ट्रिट भन्छ यसलाई। के भन्छ? फ्रिक स्ट्रिट। यो चाहिँ हिप्पीहरूको टाइममा हिप्पीहरू पुरै आएर बस्थ्यो यहाँ। दामी छ। यो सब भूकम्पले भत्के है, ऊ यो सब टुटेको छ। अभी हम जा रहे हैं मार्केट एरिया। वाओ, कति राम्रो। अभी ये म्यूजियम बना दिया गया है यहाँ। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं लंच करने। मो चिकन नूडल्स या मोमोस खांचो? मोमोस की नूडल्स। अभी हम खाएंगे मोमोस। ये दादा खाएंगे थकाली, फिश थाली होनी, फिश थकाली खाएंगे दादा और मैं खाऊंगी मोमोज, क्योंकि नेपाल आए और मोमोज नहीं खाए तो क्या खाए। सो गाइज अब मैं जा रही हूँ अपने छोटे भाई के साथ भक्तापुर घूमने। दिस इज ऑल ओल्ड काठमांडू भाई, ओल्ड नेपाल वाले। तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं भक्तापुर। नेपाल का सबसे ओल्ड ट्रेडिशनल एरिया यही है और मेरे साथ है मेरा भाई पेम्बा।
मैंने नेपाल में आके सीखा फर्स्ट टाइम पॉटरी। ये हैंडमेड पेपर है। मीडियम साइज छ यो ठीक छ कि त्यो वाला ठीक छ सो गाइस भक्तपुर में यहाँ बहुत ही फेमस दही मिलता है। मेरा भाई मुझे दही खिलाने के लिए लाया है यहाँ पे, तो ट्राई करते हैं दही यहाँ का। के हो त यसको नाइनहरूको नाम नाम के हो तिम्रो नाम सो गाइस यहाँ पे ये है रुद्राक्ष का पेड़। अभी हम पशुपतिनाथ मंदिर में आए हुए हैं। जस्ट पशुपतिनाथ जी के अंदर से दर्शन करके आ रहे हैं। फोन तो अलाउड नहीं है, कैमराज अलाउड नहीं है, इसलिए वीडियो हम नहीं बना पाए, बट बहुत मन को शांति और सुकून मिलता है ऐसी जगह पे आप जब आते हो तो। अच्छा सूर्य भगवान कौन चाहिए। सो गाइस देखिए कितना सुंदर यहाँ पे हर जगह पे ऐसे शिवलिंग बने हुए हैं। ये देखिए हर दीवारों पे यहाँ पे पूजा होती है। हम जा रहे हैं गाइस स्वयंभू नाथ टेम्पल। हे रूम बुआ जी, ओ वाओ शिव जी हुआ नहीं जम, चलो अच्छा है तो चढ़ के उतना नहीं जाना है। ये है एंट्रेंस। सो गाइस ये है लकी कॉइन, इसमें डालना है। गए नहीं
वीडियो होना नया चप्पल मेरा मम्मी ने फाड़ दिया बोला भी दमर पे मेरा वाइट चप्पल दिखा कसरी लगाने तेल तेल कसरी लगाने तेल लगा मसाज कर दू तो मले मैंने मसाज कर दी नहीं तेल लगाना ननू तेल लगा तेल कसरी मसाज मजा ले मसाज